बादली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 23 में दिल्ली नगर निगम अभियांत्रिकी विभाग ने नालावाला रोड का नाम बदलकर प्रधान अमित चंद यादव के नाम पर इसका नामकरण कर दिया है। हम आपको बता दें कि अमित चंद यादव 1970 से लेकर 1974 और फिर 1979 से लेकर 1984 तक बातली गांव के प्रधान रहे। इस नामकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव, उत्तरी दिल्ली नगर निगम से मुकेश गोयल कांग्रेस नेता, स्थानीय निगम पार्षद निशा यादव, समाज सेवी इंदर सिंह बादली और भारी संख्या में स्वर्गीय अमितचंद प्रधान के परिजन इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि अमितचंद प्रधान इस गांव के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और उनके द्वारा किए गए काम आज भी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। नरेंद्र जी, आप कहते हैं कि बादली मेरी जड़ है और आज इस मौके पे आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बादली मेरा परिवार है, बादली मेरा घर है और बहुत खुशी की बात है कि आज माननीय अमितचंद प्रधान जी, जो न सिर्फ हमारे परिवार के सदस्य थे बल्कि बहुत ही सामाजिक और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक, जिन्होंने शुरू से ही हमेशा कोशिश की है कि सभी वर्गों को साथ लेके चलें और इस गांव के, अगर मैं कहूं कि यहां तक पहुंचने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे माननीय अमितचंद प्रधान जी को मैं सच सच नमन भी करता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई मुकेश जी का और निशा जी का, जिन्होंने ये बहुत अच्छा। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से समाज के हमारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें जोड़ते हुए और भी जो मार्गों के नाम हैं उन हमें प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर और अपने सम्मानित लोगों के कार्य को देखते हुए उनके नाम को रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छी कड़ी है और इस कड़ी में आगे आने वाले समय में देवेंद्र यादव जी के निर्देश के अनुसार और भी कहीं प्रतिष्ठित लोगों के नाम होंगे तो वो भी रखेंगे। समाज सेवी इंदर सिंह बादली और स्वर्गीय प्रधान अमितचंद यादव के पुत्र सुरेश यादव ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नामकरण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों का आभार जताया। मैं कहता हूँ बड़ी खुशी का टाइम है आया, देवेंद्र भाई साहब का, मुकेश गोयल जी का, निशा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारे रोड बनवाए 1970 में, जब पंचायत घर बनवाया, सबको जो बिगैर भूमि के आदमी थे, गरीब आदमी थे, उनको सबको एक 100 सूरज का प्लॉट दिया गया, आधा आधा किला जमीन दिया गया सबको, और जितने हरिजन भाई थे सबको 100 सूरज के प्लॉट और आधा आधा किला एक है, और ये स्कूल बनवाया लड़कियों का 12वीं क्लास तक का। आज इस मौके पर स्वर्गीय अमितचंद प्रधान जी हमारे इतने लोकप्रिय रहे, जिस समय हमारे गांव के प्रधान रहे दो टर्म के, उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए बड़े कार्य किए, उन्होंने हमारे गांव को एक सोने की चिड़िया की तरह चमका के रखा। हमारे गांव में तरह तरह के, जैसे आज हमारे यहाँ ये जो पंचायत घर बन रहा है ये उन्हीं की देन है, तिकोना पार्क पे हमारे यहाँ एक भैंसों का बड़ा दिक्कत थी, भैंसों का हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया, स्कूल उन्होंने बनवाया, दलितों को सोसोज के प्लाट दिए जिनमें आज जनता हमारे गांव की रह रही है, जो आज प्लाट दो दो तीन तीन चार चार करोड़ के हो रहे हैं। हमारे गांव वालों को आजादी एकड़ लैंड दी, जो सरकार ने रिक्वायरमेंट कर लिया, उनका कंपनसेशन मिला, उसके बाद में उनको अल्टरनेटिव मिला, वो भी कई कई करोड़ रुपए के हैं। आज की डेट में मैं प्रधान जी को ज्यादा नुच कहते यही कहूँगा, दो टर्म प्रधान हमारे अमितचंद जी रहे, उनके रहते हुए उन्होंने गाँव के हर तबके के लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए हमें सिखाया और उन्हीं के आज आदेशों के अनुसार जो परिवार, जो भाई सुरेश यादव जी हैं और जो भी उनके उनके आज ये उनको देखते हुए आज ये उनका नाम जो नामकरण किया हुआ है, भाई देवेंद्र यादव जी के सहयोग से हमारी निगम पार्षद निशा यादव जी, विपक्ष नेता मुकेश गोयल जी, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे गाँव की एक पहचान हो गई है कि ये निशान ये हो गया है कि स्वर्गीय अमितचंद प्रधान जी ने जो कार्य किए हैं आज उनके नाम से रोड जो किया हुआ है नाला, मैं धन्यवाद करता हूँ उसके।
पहले तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला कि हम श्री अमीचंद यादव जी के नाम पर इस रोड का नामकरण जो है कर सकें, क्योंकि हमारे गांव के जो हैं वो प्रधान रह चुके हैं और उनका हमारे क्षेत्र में बहुत बहुत योगदान रहा है, स्पेशली बादली गांव में उनका जो योगदान था वो बहुत बड़ा इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पूरी निष्ठा के साथ गरीबों के लिए हर समय काम किया है और समय समय पर ज़रूरतमंदों को भूमि भी दिलाई है ताकि वो अपना जो जीवन का निर्वाह कर सके और वहाँ पर रह सके। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। हम आपको बता दें कि बादली गांव में आवासीय भूखंड देने का भी काम स्वर्गीय प्रधान अमीचंद द्वारा किया गया था। उनके द्वारा दी गई जमीन पर बने मकानों में आज भी लोग अपना निवास करते हैं। बादली गांव में ही पंचायत घर और 12वीं कक्षा तक का स्कूल उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बनवाया। ऐसे में उनके नाम पर बादली गांव में सड़क का नामकरण किया जाना लोगों के बीच एक खुशी का विषय बना हुआ है। वैसे तो प्रधान अमीचंद लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनके नाम पर सड़क का नामकरण करने से आने वाली पीढ़ियां भी उनके कामों को याद करेंगी। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।